दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अगर आप MBA करना चाहते हो तो आपको IIM, FMS या टॉप के 50 कॉलेजेस से तो एटलीस्ट MBA करना ही चाहिए, और उनमें एडमिशन के लिए CAT, GMAT ये सब एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है, तो ही आपको एडमिशन मिलती है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ CAT एग्जाम ही देंगे तो ही आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी, ऐसा नहीं है। और भी एग्जाम्स है लाइक SAT, NMAT, MAT, बट अगर आप CAT एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी ऑटोमेटिक हो जाती है। उसके अलावा CAT एग्जाम के स्कोर ज्यादातर टॉप कॉलेजेस एक्सेप्ट करती है, तो ये एक एडवांटेज है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम CAT एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे, कब इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, कब एग्जाम्स देना होता है, कट ऑफ क्या रहती है, कौन से बुक पढ़नी होती है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है तो बने रहे। दोस्तों, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। CAT मतलब कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है और इस एंट्रेंस एग्जाम को IIM ही कंडक्ट करती है। CAT एग्जाम पास करने के बाद आप किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे MBA, PGDM या PGPPM। और 90 कॉलेजेस में इस एग्जाम का एक्सेप्टेंस है, मतलब इस एग्जाम को पास करने के बाद अगर आपकी रैंक आती है तो आप 90 कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट करके ये एग्जाम दे सकते हैं, और वैसे भी MBA आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है CAT एग्जाम तो आपको ग्रेजुएशन के बाद ही देना पड़ेगा। ग्रेजुएशन चाहे आपने BA कर रखा हो, BCom या BSc या फिर BBA, फर्क नहीं पड़ता, आप CAT एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, पर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर अपना रिजल्ट की वेट कर रहे हैं तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। बस इसके लिए आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो वहाँ के प्रिंसिपल से कुछ सर्टिफिकेट लेना होता है। दोस्तों, CAT एग्जाम देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती और इसके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। हाँ, ज्यादा अटेम्प्ट्स मैटर करती है अगर आप IIMs में जाना चाहते हैं, वहाँ पे अटेम्प्ट्स देखा जाता है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे बात कर लेते हैं। CAT एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, और इस वेबसाइट को आपको नोट करके रखना चाहिए क्योंकि सारा काम आपका इसी वेबसाइट से होने वाला है। CAT एग्जाम में रजिस्ट्रेशन शुरू होती है अगस्त से और सितंबर एंड तक इसका लास्ट डेट रहता है, और अक्टूबर एंड तक एडमिट कार्ड इशू भी हो जाता है, और ज़्यादातर नवंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाती है, और जनवरी में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, और कॉल्स भी फरवरी तक सबको आ जाता है, तो इन मंथ्स में आपको अपडेटेड रहना चाहिए। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न। CAT एग्जाम में क्वेश्चंस 3 सेक्शन में आती है। पहला, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और तीसरा है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। और इसका सिलेबस 10th तक का ही होता है, तो ईजी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको मैथ्स का सवाल पूछा जाता है, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश के ग्रामर्स, सेंटेंस करेक्शन जैसे सवाल रहते हैं। नेक्स्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग में बाइनरी लॉजिक, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, पाई चार्ट वगैरह वगैरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और पेंडेमिक में थोड़ा बहुत चेंजेस भी हुए हैं एग्जाम में, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। CAT एग्जाम में 2 तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है, MCQ टाइप्स और नॉन MCQ टाइप्स। MCQ क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, गलत आंसर देने पे 1 मार्क्स माइनस हो जाता है, और नॉन MCQ में नेगेटिव मार्क्स नहीं होती, इसलिए भी एग्जाम थोड़ा टफ हो जाता है। दोस्तों, CAT एग्जाम उतना टफ भी नहीं होता, JEE एग्जाम से तो बहुत ही ईजी होती है। अगर आपने JEE एग्जाम दिया है तो आपको CAT एग्जाम ईजी ही लगने वाला है। अब बुक्स की बात कर लेते हैं, आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अरुण शर्मा की बुक्स ही पढ़ें, वो बेस्ट होता है। 4 किताबें हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप कोचिंग्स लेते हैं तो वहाँ की तो बुक्स आपको मिलेंगी ही। हाँ, अरुण शर्मा की बुक्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगर आपका टारगेट है IIMs, 99 to 100% कट ऑफ रहती है, और IIMs ABC में तो कट ऑफ के अलावा वर्क एक्सपीरियंस वगैरह भी देखा जाता है। आई होप आपको छोटी सी जानकारी से भरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक में देखना पसंद करेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।